जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होता है, जैसे कि ये मेरे सामने जो इसमें दिखाई दे रहा है आपको हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, ये है AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि किस प्रकार से इसको रिसाइज किया जाए, रिसाइज करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि डायमेंशन इसका 800x400 पिक्सल में रहेगा, साथ में फाइल जो साइज है 50 से लेकर 100 KB के बीच का रहेगा। आप तो दोस्तों 50 से लेकर 100 KB के बीच का बना लेते होंगे, लेकिन ये 800x400 पिक्सल भी होना चाहिए, साथ में 50 से लेकर 100 KB के बीच का भी होना चाहिए। दोस्तों मैं बताऊंगा इसको मोबाइल के माध्यम से कैसे रिसाइज करेंगे आप, ये मैं इसमें बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है, उसकी साइज़ कितनी है, और मैं आपको 50 से लेकर 100 KB के बीच का बना के दिखाऊँगा, 800x400 KB पिक्सल का बना के दिखाऊँगा मोबाइल के माध्यम से ही। दोस्तों एक बार ये आप जान जाएंगे बनाना तो आपको कई एग्ज़ाम में ये फ़ायदा करेगा, जैसे कि बैंकिंग का जो भी एग्ज़ाम आता है उसमें हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन मांगता है IBPS का। अब यहाँ देखिए AAI में भी मांगा है, तो आपको ये काम कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं चलता हूँ आपको लेके कैसे इसको करना है। देखिए दोस्तों, मेरे पास ये जो है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन मौजूद है मेरे पास, इसकी मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर डिटेल्स पर जाके, डिटेल्स पर जाते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, देखिए दोस्तों इसकी जो साइज़ है यहाँ पे 1.5 MB का है, यानी 1.50 MB, और जो इसका पिक्सल है 4097x1365 पिक्सल है। हमको बनाना है 800x400 पिक्सल में। ठीक है, आपको हम दिखाते हैं बना के। सबसे पहले दोस्तों आप अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे, यहाँ पे सर्च कर देंगे रीसाइज इमेज, यहाँ लिखेंगे रीसाइज इमेज, लिख कर सर्च मार देंगे। सर्च मारेंगे यहाँ देखेंगे आपको सबसे पहला वेबसाइट मिलेगा रिसाइज इमेज का, सिंपल इस पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करेंगे यहाँ आपको अपना फ़ोटो सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके ये ब्राउज़र में भेज देगा, आपके गैलरी में फाइल में चल जाएंगे। उसके बाद जहाँ भी आपका होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ मैं अपना सेलेक्ट कर लिया हूँ हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन को। यहाँ पे जो वर्तमान साइज़ है वो दिखा रहा है 4097x1365 पिक्सल, 1.5 MB का है। अब हमको रिसाइज करना है 800x400 पिक्सल में, 200 DPI में रहना चाहिए और 50 से लेकर 100 KB के बीच का। नीचे बढ़ेंगे जब आप स्क्रॉल करके सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ देखेंगे चूज़ न्यू साइज एंड फॉर्मेट मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे क्लिक करेंगे परसेंटेज पर, क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए परसेंटेज है, पिक्सल है, तो हमको पिक्सल में करना है, पिक्सल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे 4097 वर्तमान साइज़ दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 800, क्योंकि 800 में मांगा है 800 लिख देंगे। 800 लिखने के बाद ये देख रहे हैं लॉक बना हुआ है ताला, यहाँ पे ताला पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर नीचे हाइट में 400 मांगा है, तो यहाँ पर 400 लिख देंगे। 400 लिखने के बाद दोस्तों यहाँ रेजोल्यूशन जो DPI है, DPI को 200 कर देंगे, 200 में ही मांगा है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ क्वालिटी पूछा है, क्वालिटी आप यहाँ पे 95 कर देंगे, 95 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रिसाइज इमेज लिखा हुआ है, सिंपल इस पर करना है आपको क्लिक। क्लिक जैसे ही आप करेंगे ये आपका देखिए न्यू साइज बना के दे दिया, ये आपका हो गया 71.32, यानी 50 से लेकर 100 KB के बीच का हमसे मांगा है, 800x400 पिक्सल में मांगा है हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, आप डाउनलोड करेंगे आपके मोबाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों आप किसी भी IBPS का चाहे हो चाहे AAI का हो, किसी में भी अगर ये मांगेगा हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन तो आप लगा सकते हैं। हर हर एग्ज़ाम में यही जो है कि इसका मांगता है साइज जितना मैं बनाया हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को समझ में आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों। कोई यदि आपको समझ में ना आए तो आप हमें बेहिचक कमेंट करिए, मैं हर संभव आपकी रिप्लाई को देता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।